नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। राजधानी पटना लगातार विकास कर रही है। मेट्रो, पुल, डबल डेकर पुल या सड़कों का निर्माण हो और साथ ही साथ पार्क और वाटिकाओं का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि धीरे धीरे राजधानी पटना में खुले मैदान, यानी जिसे हम आमतौर पर सार्वजनिक स्थल या ओपन स्पेस कहते हैं, उनकी बहुत भारी मात्रा में कमी होती जा रही है। और जो खुले मैदान बचे हुए हैं उनमें भी काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे गांधी मैदान में हमेशा आपको बुक स्टॉल या मेला देखने को मिल जाएगा, इसी तरह और भी जो कई खुले मैदान हैं उनमें कोई ना कोई मेला या कुछ ना कुछ लगा होता है, जिसकी वजह से वो उपयोग में नहीं है। बच्चों के विकास में खेलकूद एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। ऐसे में जहाँ राजधानी पटना में खुले मैदानों की कमी हो रही है, बच्चे अपने खेलने के लिए जगहें जो है सड़कों पर बना रहे हैं और लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। आज हम आए हैं यारपुर की एक बस्ती में। आज हम आपको दिखाएंगे कि पटना के बच्चे खुले मैदान ना होने की वजह से किस तरह से सड़कों पर खेल रहे हैं और हमेशा हादसों का शिकार हो रहे हैं और उनको क्या क्या तकलीफें हो रही है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ तो एक मुख्य समस्या है, ये बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड है वो एक बगल में है संजय गांधी स्टेडियम, उसमें ज़्यादातर तो मेला ही लगा रहता है और कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह होते रहता है। बहुत कम समय मतलब कि वो रहता है बच्चों खेलने के लिए अवेलेबल, और उस परिस्थिति में भी ऐसा होता है कि वो जब मेला वगैरह या कोई फंक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद वो प्लेग्राउंड वैसे ही रहता है। अगर बांस बल्ला उसमें गा रहा है लोग तो गड्ढा वगैरह वैसे ही रहता है, तो बच्चों का उसमें पैर जाता है कि तो वो डैमेज होता है, टूट जाता है, मुरक जाता है। इन सबसे उन लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम होता है, और जब तक मेला अगर उसमें लगा हुआ है तो उनके पास कोई खेलने का जगह नहीं होता है, इस वजह से वो मजबूरी में रोड पर ही खेलते हैं। और इस परिस्थिति में बहुत सारी दुर्घटनाएँ उनके साथ होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है। एक हाल फिलहाल में पीयूष नाम का एक लड़का है, उसके साथ भी ऐसा हुआ और उसका वो कॉलर बोन थोड़ा डैमेज हो गया है। रोड पर बच्चे लोग खेलते हैं, इस वजह से बहुत दुर्घटना हो जाता है। और हम लोग का हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है यहाँ पर, और कहीं भी बाहर गार्जियन अगर निकलता है घर से तो ये ध्यान बच्चे लोग पर लगा हुआ रहता है। खेलने कूदने का भी कोई सुविधा नहीं है अच्छा, कि जिस वजह से हम लोग बच्चों को कहीं भेज सके बाहर। बच्चा सब भी देखा मरता हूँ, धक्का लग गया बच्चा लोग के, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के गरीब के कोई देखने वाला तो है ये नहीं है, कहता है कि सब पैसा वाला है। एक ऊपर झांकी मारने आता है सरकार, वही धक्का लग जाता है तो क्या करेगा आदमी, किसी को करके सदर हॉस्पिटल में ले जाता है, मलहम पट्टी लगवाता है, खेलने कूदने का जगह नहीं है। मुझे बहुत खेलने में समस्या होती है, मगर हम लोग ग्राउंड में जा पाते हैं। मुझे बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, और रोड पे भी खेलते को बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत समस्या होती है। यस, एक्सीडेंट हो गया था खेल, यस यहाँ पे ये दशहरा में लगा हुआ था, ये 5 तारीख को खुल गया, बहुत ख़राब हो गया वो ग्राउंड। रोड पे खेलते हुए गाड़ी का समस्या है, धक्का लग जाएगा, अब बहुत लोग बोलते भी हैं। बहुत दिक्कत होता है ग्राउंड में, अभी मेला लगा हुआ है तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, इसी कारण रोड पे खेलते हैं। तो रोड पे खेलने से एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मोटर चलता है, इसी कारण हम लोग का दिक्कत होता है ग्राउंड में। होती रहती है, कभी बाइक है कभी फोर व्हीलर है। आप गाड़ी वाले को भी दोष दे नहीं सकते क्योंकि सड़क है तो आना जाना तो है ही, और बच्चे लोग है, बच्चे लोग को तो घर में एनी टाइम बांध के रखा नहीं जा सकता है, और क्या करें हम गरीब लोग। अब देखिए वहाँ पर तो है तो कभी मेला लगा रहता है, कभी शादी है, कभी क्या है, ये सब होते रहता है, तो वहाँ भी बच्चे लोग खुल के खेल नहीं पाते हैं, खेलने कूदने का भी उनको सुविधा नहीं है। इस वजह से ये लोग रोड पर ही दौड़ भाग करते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी जो उन लोग का मन में आता है, छोटा बच्चा है खेलता है, उतना जानकारी है नहीं। अब इसी वजह से आगे पीछे से बच्चा लोग दौड़ने में टकरा जाता है, कभी बाइक से कभी कुछ से। हम लोग रोड पर खेलते हैं और गिर जाते हैं हम लोगों को चोट भी लग जाती है। यहाँ पे ग्राउंड का सुविधा नहीं है, इसीलिए अभी हमको हाल फिलहाल में एक्सीडेंट में हो गया है। ग्राउंड में अक्सर मेला लगा हुआ रहता है और गड्ढा गुड्ढी के वजह से पूरा ग्राउंड खराब हो गया है, इसीलिए वहाँ पे जब भी जाते तो हम लोग को कुछ ना कुछ नुकसान ही हो जाता है। यही समस्या हम लोग को रोड पे खेलना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे कंधा भी मेरा डैमेज हो गया है गिरने के वजह से, यही समस्या थी।
आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को मैदान न मिलने की वजह से वो सड़कों पर खेल रहे हैं, उनके साथ लगातार सड़क पर हादसे हो रहे हैं, और जो मैदान उनके पास उपलब्ध है उसमें जब वो मेला और कोई फूड स्टॉल या कुछ भी लगता है तो उसके बाद उस मैदान की हालत ऐसी नहीं होती है कि बच्चे उसको इस्तेमाल कर पाए। इस वजह से बच्चे लगातार सड़कों पर खेल रहे हैं और उनके साथ हादसे हो रहे हैं और भी हादसे होने का खतरा बन रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो करें। धन्यवाद।